अस्सलाम वालेकुम ओके गाइस। तो देखो दोस्तों, आपको यही प्रॉब्लम इशू फेस करने में आ रहा है बिटवीपिन के अंदर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि योर सब्सक्रिप्शन वाला जो लिमिट वाला ये आपको इशू फेस करने को मिल रहा है। ये आप इस तरह से इस इशू को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपका भाई इसका सोल्यूशन लेकर आपकी किस्म में हाजिर हुआ है। दोस्तों आपका भाई हर किस्म के आपके इशू सॉल्व करता है और अब वो चाहता है कि आपका फ्री इंटरनेट यूज़ करें काफ़ी कमाल की स्पीड के साथ। दोस्तों पर्सनली मुझे बिटवीपीएन की काफ़ी अच्छी स्पीड लगी और मुझे बहुत ही बेस्ट लगा बिटवीपीएन। लेकिन मैं आपको बिटवीपीएन देखें अभी एक बार कनेक्ट करता हूँ उसे, तो वो जो इशू आता है एक बार अगर उसको आपको बैक करते हैं तो वो कट चला जाता है। तो अभी मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ आप किस तरह से कर सकते हैं। मुझे जैसे मैंने वीडियो अपलोड की तो उसमें से काफ़ी लोगों के ये कमेंट्स आना शुरू हो गए कि भाई इसका डिसकनेक्टिंग प्रॉब्लम बताओ, डिसकनेक्टिंग प्रॉब्लम बताओ। तो भाई आपका लेकर आया डिसकनेक्टिंग प्रॉब्लम बताने वाला है। दोस्तों ये डिसकनेक्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पास सॉल्व हो सकता है कि आपके पास सॉल्व हो जाए, क्योंकि जो हमारी वीडियो में कमेंट आते हैं वो तकरीबन 80 से 90%। ओके भैया माइंड ना करना, रिकॉर्डर बंद हो गया था यहाँ पर, तो मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ। देखिए काफ़ी लोग कहते हैं जी यू आर गुड सुपर गुड नाइस गुड ट्रिक, योर डाटा लिमिट अनलिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी ट्रिक काफ़ी कमाल की है, और कुछ लोग इसमें से दो चार लोग आ जाते हैं जो कहते हैं यार फेक ट्रिक क्या काम नहीं कर रही। तो यह ट्रिक सारी काम करती है, हो सकता है कि आपके मोबाइल सपोर्ट ना कर रहा उस ट्रिक को। आप ये समझ कर एक बंदे के पास अगर ट्रिक काम नहीं करती है आप ये ना कह दिया करें कमेंट सेक्शन में कि ये फेक ट्रिक है, तो मेहरबानी क्या करें इस चीज़ से गुरेज क्या करें। अगर आपके पास ट्रिक काम नहीं करती, कोई इशू आ रहा है, तो आप वो नीचे इशू कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी वीडियो में या आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया जाएगा। तो सिंपल है, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कौन सी ट्रिक है जैसे आप ये इशू सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपने बिटवीपीएन जापान सर्वर वाला डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बिटवीपीएन जापान सर्वर वाला उस वो डाउनलोड करना है, एंड उसके साथ आपने क्या करना है एक हैक ऐप डाटा डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से जी मैं अपना डाटा कनेक्शन बंद कर देता हूँ एंड उसके बाद बिटवीपीएन को डिसकनेक्ट करता हूँ। ये डिसकनेक्ट कर दिया एंड उसके बाद पीछे से यहाँ से इसको चला बका देते हैं एंड उसके बाद हम जी हैक ऐप डाटा ओपन करते हैं। हैक ऐप डाटा जी ये आ गया हैक ऐप डाटा। हैक ऐप डाटा के जाने के बाद आप लोगों को मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि आपने लिंक से डाउनलोड करना है ताकि इधर हैकेबल आपको मिलेगा, क्योंकि ये हैक किया हुआ है। यहाँ पर प्रोफेंस के ऊपर क्लिक करना है, लोकल इन्फो पे चले जाना है। लोकल इन्फो पे जाने के बाद आपने यहाँ से ढूंढना है ऑप्शन एक्टिव डिवाइस की। यहाँ पर पहला पहला ऊपर ऊपर मिल रहा है एक्टिव डिवाइस की, को सारे को आपने यहाँ से कट कर देना है। कट यहाँ से बैक कर दिया, तीन चार मरतबा ऐसे सेव कर देना और यहाँ से क्लोज कर देना। यहाँ जैसे एक्टिव डिवाइस की जीरो हो गई है एंड उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिल रहा है यूज़र आईडी का। आपने यूज़र आईडी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको पहले वाले यूज़र आईडी को आपने कट कर देना है जो आपके पास यूज़र आईडी लगी होगी। आप यूज़र आईडी डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक यूज़र आईडी दे दूंगा, वहाँ से आप यूज़र आईडी वहाँ से ले लीजिएगा। तो मेरे पास ये यूज़र आईडी पड़ी है, मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप यूज़र आईडी कैसे बना सकते हैं। और यहाँ से तीन चार मरतबा सेव कर देना है, सेव करने के बाद क्लोज़ कर देना है। यहाँ से भी देखते हैं लग गई हमारी यूज़र आईडी, यहाँ से यूज़र आईडी हमारी सेट हो गई है एंड उसके बाद जी बैक आते हैं। ये सारा ये आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने पीछे से जी हैक ऐप डाटा को भगा देना है। हैक ऐप डाटा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हैक ऐप डाटा को पीछे से आपने भगा देना है एंड उसके बाद ये आप दोबारा बिटवीपीएन के अंदर जाते हैं जी। ये बिटवीपीएन आ गया, बिटवीपीएन के अंदर जाने के बाद यहाँ से कहता है डाटा कनेक्शन आपका जी चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पर आपने मैंने डाटा कनेक्शन ऑन कर दिया, तो डाटा कनेक्शन ऑन करने के बाद आपको एक बार मैं पैकेज भी चेक करवा देता हूँ। फिर ये ना कहिएगा कि भाई आपके कोई इंटरनेट पैकेज आपने लगाया हुआ था। देखिए इंस्टाग्राम मेरी इंस्टॉल हो चुकी है एंड उसके बाद हम आप यहाँ से बिटवीपीएन को कनेक्ट कर लेते हैं। बिटवीपीएन को कनेक्ट करने के बाद ये अभी हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। अभी ये जी बिटवीपीएन हमारा कुछ सेकंड लेगा और कनेक्ट हो जाएगा। यार पर्सनली इसकी स्पीड काफ़ी मुझे अच्छी लगी है। यहाँ पर जाते हैं जी इसके अंदर, यहाँ से एक बार मैं यूट्यूब को कट करके फिर से बैक ऑन करता हूँ, क्योंकि यहाँ से बिटवीपीएन हमारा ऑन हो गया। बिटवीपीएन देखें आपके सामने ऑन होगी ये YouTube और काफ़ी कमाल की स्पीड के साथ ऑन होगी। देखिए काफ़ी अच्छी स्पीड है, मुझे तो यार काफ़ी अच्छी इसकी स्पीड लगी है, लेकिन आपको लगी हो या ना लगी हो। सो अभी देखें ये बिटवीपीएन कनेक्ट हो गया और इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। एंड उसके बाद ये हमें आपको बताता हूँ यूज़र आईडी आपने कैसे लेनी है। अब आपने चले जाना है बिटवीपीएन के अंदर, आपको बताता हूँ यूज़र आईडी का तरीका। यहाँ पर बिटवीपीएन के चले गया, यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, स्पोर्ट्स वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से जीमेल आपने चूज़ कर लेना है। जीमेल चूज़ करने के बाद यहाँ से देखें आपको 7 डे परचेज़ वाली ये आपको यूज़र आईडी मिल गई। आपने यहाँ से यूज़र आईडी
एंड उसके बाद आप यहाँ पर उसे हैक ऐप डाटा के अंदर जाकर पेस्ट कर सकते हैं। और आप ये तरीका एक से दो बार तब दोहरा लीजिएगा ताकि आपकी यूज़र आईडी अच्छे से पेस्ट हो जाए। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं आपको कह सकता हूँ पक्के यकीन से कि आपके पास डिसकनेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इसकी स्पीड भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली मरतबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।